खेती को उन्नतशील बनाने में वैज्ञानिकों के ज्ञान का उठाएं लाभ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत तेजवापुर गांव में स्थित प्रगतिशील किसान एवं प्रमुख केला उत्पादक नवनीत वर्मा के कृषि प्रक्षेत्र पर गुरुवार को आयोजित किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी का शुभारंभ हैदरगढ़ विधायक बैजनाथ रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक ने कहा कि किसान पूरी परंपरा से हटकर खेती में आय बढ़ाने के लिए नई तकनीक व कृषि यंत्र का उपयोग करने के साथ साथ वैज्ञानिकों का ज्ञान प्राप्त करके किसान तरक्की कर सकता है। खेती के साथ साथ सह फसली खेती के लिए तिलहन, गन्ना, बागवानी, सब्जी, पान की खेती का उत्पादन के अलावा मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन करके सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान का लाभ उठाकर किसान आत्मनिर्भर बने। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के निदेशक प्रसार डॉक्टर एपी राव ने कहा कि जनपद का किसान धान व गेहूं में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के साथ साथ बदलते परिवेश में बागवानी, फूलों की खेती, केला, टमाटर का बेहतर उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जो प्रगति का सूचक है। उप कृषि निदेशक अनिल कुमार सागर ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ले सकता है। खेती की नवीनतम तकनीकी व कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त कृषि यंत्रों में अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आगामी 21 मार्च को हैदरगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित किसान मेले में शामिल होने के लिए किसानों को आमंत्रित किया। कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ के प्रभारी व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह, जिला उद्यान अधिकारी महेंद्र कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी सिंह ने खेती किसानी आदि के बारे में किसानों को जानकारी दी। आगंतुक अतिथियों का स्वागत प्रगतिशील किसान व नवनीत वर्मा व भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय वर्मा ने बुके, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर किया। प्रगतिशील किसान मनसाराम यादव, ब्रजेश त्रिपाठी, अशोक सिंह, वीरेंद्र सिंह, कौशल सिंह, मोहम्मद जहीर, मनसाराम वर्मा, विशंभर दयाल वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा, अंकित जायसवाल, भूपेंद्र सिंह आदि किसान संगोष्ठी में उपस्थित रहे। बाराबंकी से सिटी TV 24 के लिए सुधीर शर्मा की खास रिपोर्ट।